Hello friends, welcome back in this session. Public IP, private IP and elastic IP का difference हम इस session के अंदर देखेंगे. ये तीनों IP हम अपने instance में use करते हैं. So पहले difference क्या है, concept क्या है समझ लेते हैं. उसके बाद अपने next session में देखेंगे demo की कहाँ कहाँ public IP use होता है और elastic IP कैसे use करते हैं. So public IP, private IP का difference समझते हैं. Basically, public IP can communicate over the publicly. Basically, it's communicated over the internet. So it called the public IP. Public IP जो internet पे communicate करता है, जहाँ पे publicly route add किया होता है, उसको public IP बोलते हैं. Public IP का range fix है और unique रहता है public IP. And जो communicate over the internet होता है. Private IP means कि private IP basically internal network के लिए use होता है और private network जो define करते हैं वहाँ पे private IP communication में use होता है. For example, अगर आपके पास wireless router है और आप wireless router से अपना laptop connect करते हो या mobile connect करते हो, तो वो mobile को जो IP lease होता है वो wireless router से वो private IP रहता है. तो अगर आपके wireless router से दो या तीन more आप machine connect करते तो internal वो machine communicate कर सकते हैं, but वो machine को बाहर globally connect करने के लिए public IP की ज़रूरत होती है. तो wireless router पे internet gateway configure होता है और वो gateway पे public IP binded रहता है, तो वो public IP communicate करता है globally public network के साथ. So private IP internally रहता है जो private network के अंदर define होता है. Private IP duplicate हो सकता है, but same network में नहीं, different network में. To route the public network, private IP नेट, जैसे मैंने बोला कि पब्लिक आईपी नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है प्राइवेट आईपी को, तो उसको बीच में पब्लिक आईपी चाहिए. जैसे हमने बोला कि इंटरनेट गेटवे उसका है, तो गेटवे आईपी पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन रहता है. दूसरा के प्राइवेट आईपी पे रेंज फिक्स है, तो वही रेंज प्राइवेट आईपी में हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि 192.168.0.0 है, 172.16. नेटवर्क है और 10.0.0.0/8 का नेटवर्क है. तो ये तीन नेटवर्क प्राइवेटली डिफाइन किए हुए, तो यही आईपी प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं. सो पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी का डिफरेंस देखा. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इलास्टिक आईपी. सो इलास्टिक आईपी क्या है? तो इलास्टिक आईपी अमेजोन से डिराइव हुआ आईपी नेम है. सो बेसिकली जब आप अमेजोन में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो उसको पब्लिक आईपी अटैच होता है. तो वो जो पब्लिक आईपी है, बेसिकली वो पब्लिक आईपी रहता है, बट जब आप इंस्टेंस स्टार्ट स्टॉप करते हो या तो रिस्टार्ट करते हो, तो पब्लिक आईपी चेंज होता है. तो आपको नया आईपी पब्लिक मिलता है. सो वो अगर आपको प्रॉब्लम में से बाहर निकलना है, तो अमेजोन ने कंसेप्ट लॉन्च किया कि इलास्टिक आईपी. तो आप इलास्टिक आईपी परचेज कर सकते हो और इलास्टिक आईपी आप अटैच कर सकते हो अपने इंस्टेंस के साथ. तो बेसिकली इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंस क्या है? तो इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी सेम है, बट अमेजोन के अंदर आप इलास्टिक आईपी यूज करते हो तो स्टेटिक आईपी रहता है. सो इलास्टिक आईपी आप एट अ टाइम एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो और एक से ज़्यादा इंस्टेंस के साथ आप अटैच नहीं कर सकते. एंड इलास्टिक आईपी जब तक आप उसको डिटैच नहीं करते, तब तक उसका चार्ज आपको पे करना पड़ता है. तो मतलब अगर आपने अटैच अपने बाय किया और इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं किया, तो भी आपको उसका पे करना पड़ेगा. तो आइडियली आपको जब उसको यूज़ करो तब प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूरी है. दूसरा क्या है कि इलास्टिक आईपी पर अकाउंट 5 ही मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते. बट अगर आपका डिमांड उससे ज़्यादा है, तो आपको एक्सटर्नली अमेजोन पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वो इंक्रीज करके देते हैं. सो पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एंड इलास्टिक आईपी का कंसेप्ट एंड डिफरेंस यहाँ पे हमने समझा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे इलास्टिक आईपी हम लेते हैं, इलास्टिक आईपी अटैच कैसे करेंगे एंड डिटैच कैसे करेंगे. पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी का भी हम डेमो देखेंगे.